बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम लोग जेज़कैश के थ्रू यूटिलिटी बिल्स को पे करने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड के ज़रिए मैं आप लोगों को ये तरीका सिखाऊंगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाकर जेज़कैश की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपने पहले से डाउनलोड की हुई है तो फिर आप इस पे नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो आप करना शुरू कर दें। तो जेज़कैश के ऊपर हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमसे MPIN नंबर और या पासवर्ड हमसे पूछता है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद हम इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो ये जैसे हमारे को यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊपर वाली साइड पर राइट साइड से थर्ड नंबर पर यूटिलिटी बिल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और डिफरेंट हमारे पास यूटिलिटी बिल्स पे करने के इदारे दिखाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल भरना है, टेलीफोन का, वाटर का, इंटरनेट या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल आपने भरना है। अब उसमें से आपने एक जो भी आप पे करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अभी मैं मिसाल के तौर पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक कर देना है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे को बहुत सारी कंपनियां में मुहैया कर रही हैं वो आप देख सकते हैं। आप कौन सी कंपनी का बिल इसमें पे करना चाहते हैं उसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं जो है KESC जो पहले इसका नाम था KESC, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है के इलेक्ट्रिक में। मैं बिल पे करना चाह रहा हूँ के इलेक्ट्रिक का, तो मैं के इलेक्ट्रिक पर क्लिक कर दूँगा। अब ये कह रहा है इंटर 13 डिजिट KESC अकाउंट नंबर, इसको रिफ्रेश नंबर भी कहा जाता है। वो मैं आपको एक पिक्चर अपने इस वीडियो पर शो कर दूंगा, वहाँ से आप जो है अपने किसी भी यूटिलिटी बिल का रिफ्रेंस नंबर और अकाउंट नंबर देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इस अकाउंट नंबर को इसके अंदर सबमिट करेंगे। उसके बाद हमने ये जो येलो कलर का सबसे नीचे एरो का निशान नज़र आ रहा है, इस पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारा बिल जो है शो कर रहा है 6,259 रुपीज़। बिल कंपनी का नाम है के इलेक्ट्रिक, अदर अकाउंट 04000। ये इसका पूरा इंटर अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पे दे रहा है। बिल मंथ कौन सा महीने का, ड्यू डेट बता रहा है, बिल अमाउंट बिफोर ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट होने से पहले 5,776 रुपये पे कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर 6,259 रुपये आपको पे करना होंगे। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से MPIN नंबर डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। क्योंकि अभी हमारा अगर हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं जेज़कैश में तो ये हमारे अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं यूटिलिटी बिल में KESC वाले अकाउंट में और हमारा बिल जो है पे हो जाता, पर हमारे अकाउंट में अभी इतने पैसे नहीं है तो इस वजह से ये बिल इसमें पे नहीं होगा। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MyGraphics को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।